हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज समोसा चाट बनाती हूँ, कैसे बनता है देखते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब मैदा लिया है। इसमें 1 चम्मच के जॉइन को क्रश करके हाथों से इसमें डाल देती हूँ। 4 बड़ी चम्मच मैंने तेल लिया है, जिससे खास्ता बने। इसको अच्छी तरह से हाथों से मिला लेना है। देखिए ये मिल चुका है। चलिए अब इसका एक डो तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पानी देना है, एक बार में ज़्यादा नहीं। इसे हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है, थोड़ा टाइट ही बनाना है, जैसे कि मेरा समोसा खास्ता हो। देखिए अच्छी तरह से इसे मैंने मिला लिया है। चलिए अब इसे 10 से 15 मिनट तक इसे ढक कर रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने छोला बनाने के लिए 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल लिया है। इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज़पात, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, इसे भून लेती हूँ। मैंने मटर को पहले से ही उबाल के रखा है। देखिए भून चुका है। इसमें 1 टमाटर दे देती हूँ, इसे भी हल्का भून लेती हूँ, ज़्यादा नहीं भूनना है। मसाला भूनते भूनते भी टमाटर गल जाएगा। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, सबको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। देखिए टमाटर मेरा गल चुका है। चलिए यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब नमक डाला है, आप अपने अनुसार से दीजिएगा। मसाला मेरा कढ़ाई में लग रहा है, इसीलिए मैं 1 चम्मच के करीब पानी डाल दीजिए। इसे अच्छी तरह से मिला करके भूनिए 2 से 4 मिनट तक। देखिए भून चुका है। चलिए इसमें मटर दे देती हूँ, अच्छी तरह से मटर को भी मिला लेती हूँ। आलू मैशर से थोड़ी मैश कर लेती हूँ। यहाँ पे मैश हो चुका है। चलिए यहाँ पे 1/2 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है, आप अपने अनुसार से दीजिएगा। इसे 1 से 2 उबाल आने तक इसे पका लीजिएगा। देखिए 1 से 2 उबाल आ चुका है, मेरा पक चुका है। 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल दी हूँ, इसको भी अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मिलाने के बाद बारीक कटा हुआ धनिया दे देती हूँ। गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। देखिए मेरा छोला बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब समोसा का मसाला बनाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मूंगफली लिया है, आप काजू भी ले सकते हैं। इसे थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ। देखिए ये चटक चुका है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। 2 चम्मच के करीब मैंने तेल डाला था, अब तेल मैं नहीं डालूँगी। उसी में 1/2 चम्मच मैं जीरा डाल रही हूँ, 1 तेज़पात, 1 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियां बारीक कटा हुआ, 1 इंच के करीब अदरक कटा हुआ। सबको मैं अच्छी तरह से कच्चापन चला जाए उतना ही हमें भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना है। ये सब पहले देने से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। 1 बारीक कटा हुआ प्याज छोटे साइज का, इसे भी थोड़ा भून लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने 1/2 कप के करीब मैंने मटर लिया है, इसे 1 मिनट तक हमें भुनना है। ये भून चुका है। चलिए अब इसमें मसाला डाल देती हूँ। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, सबको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मसाला मेरा भून चुका है। चलिए इसमें मैंने 4 आलू उबाल करके रखा था, उसे हाथों से इसी तरह से मैं मिक्स करके दे रही हूँ। आप छुरी से भी काट करके दे सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, नमक स्वाद के अनुसार। लगभग में मेरा मसाला बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब गर्म मसाला पाउडर डाली हूँ, इसे भी मिला लेती हूँ अच्छी तरह से।
थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से दे रही हूँ, आप ठंडा होने के बाद भी दे सकते हैं, मैं अभी दे रही हूँ। आधा चम्मच के करीब मैंने आमचूर पाउडर दिया है, थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। आप नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सक दीजिएगा। इसमें मूँगफली डाल रही हूँ भुना हुआ, ये सबको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। बारीक कटा हुआ धनिया, देखिए आलू का मसाला बन के रेडी हो चुका है। चलिए इसे थोड़ा देर के लिए मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे ठंडा हो चुका है। चलिए रोटी के साइज़ में हमें मैदा को लेना है थोड़ा छोटा, उससे आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं उसी हिसाब से बेलिएगा। बेल करके दोनों भाग को काट लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा के इस साइड को ज्वाइंट करना है। देखिए ये ज्वाइंट इस तरह से हमें हाथों से कर लेना है, ज्वाइंट हो चुका है। चलिए अब इसमें मसाला दे रही हूँ, आप कम या ज़्यादा मसाला कर सकते हैं। फिर ऊपर से हमें पानी लगाना है। इसके बीच वाले भाग में इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है, दोनों को इस तरह से बंद करके पूरे समोसा को इस तरह से हमें बंद कर देना है। देखिए मेरा समोसा बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें दूसरे को भी बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं रखा है, मीडियम साइज़ का रखा है। इसी तरह से हमें पैक कर देना है। देखिए बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से हमें सब समोसा को बना लेना है। चलिए मेरा समोसा बन के रेडी हो चुका है। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल हल्का गर्म हो चुका है। इसमें समोसा डाल देती हूँ। हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम आँच पे ही हमें पकाना है। मीडियम आँच पे पकाएंगे तब खास्ता बनेगा। देने के बाद 2 मिनट के बाद इसे थोड़ा फ्लेम को हाई कर दीजिएगा। देखिए समोसा मेरा बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें सब समोसा को बना लेना है। देखिए कितना अच्छा बना है। चलिए आप चाट बना रही हूँ। मैंने 2 समोसा को हाथ से तोड़ दिया है। इस पे थोड़ा सा छोला दे देती हूँ। थोड़ा सा दही मैंने पहले से मिक्स करके रखा था, उसे भी दे देती हूँ। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा खट्टी मीठी। इमली की चटनी, इमली की चटनी पहले से मैंने बना के रखा था। थोड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा सेवई भुजिया दे दीजिए। हरा मिर्ची खाते हैं तो भी एक बारीक काट करके इस पे दे सकते हैं। चलिए देखिए मेरा समोसा चाट बन के रेडी हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है।